हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? तो आप सबका स्वागत है शिवानी विनोद की दुनिया में। तो आज है करवा चौथ, तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी लोग अच्छे तरह से करवा मनाइएगा, और मैं भी देखे सुबह से काम कर रही हूँ और काफी काम हमारा हो चुका है, काफी तैयारियां हो चुकी हैं। तो रात में ही देखिए हमने सरगी खाई थी सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के, और रात में ही हाथों में मेहंदी लगा ली थी, अपने हाथ से लगाई थी तो ऐसी लगी हुई थी, ज्यादा पैसे नहीं लग पाई है। तो सुबह 4 बजे उठ के इन्होंने उठा दिया, दिलारा लगा दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने सरगी खाई है, मैंने इनको भी खिलाई थोड़ी सी सरगी। तो ये हमेशा का है कि सुबह अलार्म लगा देते उठा देते हैं, तो 4 बजे हम जो है सरगी खा लेते हैं। तो उसके बाद में सुबह उठ के सारा काम निपटाना रहता है, क्योंकि काम रूटीन के वैसे ही रहते हैं जो चलते हैं। तो और इन्होंने भी थोड़ा काम सुबह अपने निपटाया था, आज घर में ही है, तो काफी हेल्प इन्होंने मेरी करा दी है काम तैयारी कराने में। और कल से ही मेरे डैडी की कुछ तबीयत जो है खराब है, कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, तो इनकी बड़ी चिंता लगी, क्योंकि सुस्त हो जाता है, खेलने कूदने वाला बच्चा है तो थोड़ी चिंता हो जाती है। और कल से बिल्कुल भी इसने कुछ खाना नहीं खाया, खाने उसको रखा हुआ है। तो अभी देखते हैं, उनको भी दवाइयां देते हैं। और मौसम इतना इस समय खराब चल रहा था, रोज पानी बरस रहा था, और शरद पूर्णिमा को भी हम लोग खीर भी 2 मिनट के लिए रख पाए, क्योंकि पानी इतना गिर रहा था कि खीर भी हम लोग नहीं रख पाए, चांद के दर्शन भी नहीं कर पाए थे। तो आज जो है चलिए 2 दिन से धूप जो है निकलने लगी है, मगर ठंड का मौसम आ गया है। अब जैसे करवे के बाद ठंडी शुरू होती थी, मगर अब की ये है कि करवे से पहले ही ठंडी पड़ने लगी, हम लोग कम्बल ओढ़ के सोने लगे रहते, क्योंकि सुबह के टाइम ठंडा लगने लगता है। और दाल हमने रात में भिगो दी थी, क्योंकि हम लोग के फरे जो है 2 तरह के बनते हैं, एक दाल भून के और एक कच्ची दाल के। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी कर ली है। तो ये है कच्ची दाल, चना उड़द की दाल है, और इसमें उड़द की दाल ज्यादा होती है, चने की दाल कम होती है। ये कच्चे जो दाल के फरे बनते जो इन लोग को पसंद है, ये ससुराल का है, ससुराल बनते हैं। तो इसमें मसाले बता दो क्या क्या। और मसाले इसमें देखिए अदरक है, मिर्चा है, धनिया है, लहसुन है, सब पीस के ही है, और थोड़े खड़े भी डाले हैं इसमें मसाले, जैसे धनिया मिर्चा और इसमें जीरा सब डाल के रख दिया है। तो ये याले फरे तो हमको तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मगर जब से हमारी शादी होने के बाद ये बनाने लगी इस तरह के फरे, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने क्योंकि ये नहीं खाया था शादी से पहले, इन्होंने याले नहीं खाया था शादी से पहले। तो इसमें चने चने की दाल बहुत कम पड़ती, उड़द की दाल ज्यादा होती, कच्चे वाले मतलब कच्ची दाल के बनते हैं, और ये भुनी हुई। इसमें चने की दाल ज्यादा होती है, उड़द की दाल कम। तो इसको इसको तो मैंने ही भुना है, बताती गई, मैं भूनता गया। तो इसमें जीरे का तड़का लगा के इसमें इसमें वही मसाले, खड़ी धनिया, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, हाँ थोड़ा सा लहसुन भी, और थोड़ी सी पीसी खटाई हल्की सी पड़ती। तो ये भून के अच्छे से तेल में बढ़िया चढ़ा, अच्छे से भून गए हैं। तो ये मैंने भुना है, और आटा भी देखिए सान के रख दिया है, थोड़ी सी फेला ये। तो ये है चावल का आटा, जिसको गर्म पानी से कूद के रख दिया गया है। और ये हम लोगों ने चक्की पिसाया, रेडीमेड आटा ले लिया था, चावल को धुल के सुखा के उसके बाद इसको चक्की पिसाया है, क्योंकि उसका स्वाद एकदम अलग आता है। और जो रेडीमेड लीजिए वो तो थोड़ा महीन भी बहुत ज्यादा होता है, और स्वाद में भी अंतर होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करवे में जो है पिन्नी चढ़ती है, तो अब उसकी भी तैयारी कर ली है थोड़ी बहुत, चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पिन्नी बनाते हैं। और उसके बाद में सब जो है बनाएंगे फरे, क्योंकि फरे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 तरह के फरे हैं, तो भाप में स्टीम में दिया है तो काफी समय लग जाएगा। तो उसमें अकेले तो बनाएंगे नहीं, हम दोनों को भाई दोनों लोग को ही लगना पड़ेगा। नहीं करते, मिलके करते हैं, और क्योंकि आज पानी भी नहीं मिला पीने को, तो थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर चलिए भगवान की दया से सब पूरा निकाल। ये तो कह रहे थे कि पानी पिलाते, मगर हमने कहा जब तक सदरा जब तक नहीं पियेंगे, तो जब नहीं होगा भाई तब तक पीना ही पड़ेगा। चलिए आगे तैयारी दिखाते हैं आपको। और तो ये पिन्नी तैयारी है, देखिए कच्चा दूध था उसी में हमने चीनी घोल दी थी, और साथ मिल्क पाउडर जो था वो भी डाल दिया है, जिससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और साथ में ये थोड़ा सा खोआ है, और चिरौंजी है, और ये देसी घी है, और इसमें भी चावल का आटा डाल के जैसे आटा से, और इसमें थोड़ा सा केसर भी डाला गया है हल्का सा। ये देखिए बीच बीच में आ रहा है, कलर छोड़ दिया है। तो इसको पेड़े जैसे नहीं बनते उस तरह बनाया जाएगा, जैसे छोटे छोटे बर्फीले पेड़े मिलते उस तरह से,
तो हम लोग यहाँ प्रसाद में ये पिन्नी, मतलब ये पिन्नी चढ़ता है और चूरा और गट्टे का प्रसाद रखा जाता और है। करवे भी हम लोग का नया चावल लें, जो जो हम लोग का नया चूरा लिया है वही उसमें भरा जाता है, और साथ में जो ऊपर दियाली होगी उसमें नया चावल रख के दिया रखी जाती है। तो देखिए सबके अलग अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं, तो जैसे इन्होंने बताया वैसे हम करते आ रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे तैयारी करते क्योंकि शाम हो जाएगा, मुझे भी तैयार होना रहेगा। और अभी देखिए करवे को सब सजाना है, जहाँ पे पूजा करेंगे वहाँ पे ऐपन से लीपना है, बहुत काम है अभी तो, समय देखिए बीतता जा रहा है। तो तो चलिए चलिए इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं हम और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज हमको इनके संगी लगना पड़ेगा। भाई कोई घर में कोई है तो नहीं दूसरा जो लगेगा, भाई ये है तो इन्हीं को पकड़ते हैं, बस बेटे के साथ ही खरीदे, बहू आ जाएगी तो उसके साथ करेंगे फिर। डैडी ए तो आज डैडी हमारे टैडी की थोड़ी तबीयत खराब है, कल से थोड़ा सा खाना ना नहीं खा रहे हैं, तो काफी सुस्त हो गए हैं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। इंसानों क्या जानवरों को भी थोड़ा सा असर तो हो ही जाता है, क्योंकि कई दिनों से ये हो रहा था कि बारिश हो रही थी, अब 2 दिन से मौसम थोड़ा साफ है, तो इसी मौसम में थोड़ा इनको भी थोड़ा सा है। नहीं होगा तो फिर डॉक्टर दिखाया जाएगा फिर हाँ, तो हमें। आज दवा देते हैं, उसे ले तो आए दवा, अब देते हैं, और अगर नहीं फायदा हो तो डॉक्टर को दिखाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पिन्नी नहीं बनाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं और क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और देखिए पिन्नियाँ बन चुकी हैं, तो ये छोटी छोटी पिन्नियाँ बनाई गई हैं, और उधर फरे की भी तैयारी पूरी हो गई है। तो पिन्निया बन के तैयार हो गई हैं, और उधर हमने फरे के लिए पानी चढ़ा दिया है, और इधर हम दोनों मिलके फरे बनाएंगे, जो कि स्टीम वाले मतलब कच्ची दाल वाले, और जो भून की दाल बनाई वो, दोनों तरह के फरे बनने हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसे हम लोग फरे बना रहे हैं। ये है कच्ची दाल के, और ये खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं और वाले भी, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो फरे बनने में काफ़ी टाइम भी लगता है और टाइम भी हो रहा है, तो ये सब फरे बनते हुए करीब 1 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि दो तरह के बन रहे हैं। हमारे कच्चे वाले फरे बनने शुरू हो गए हैं। और साथ में थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी शुरू हो गई है क्योंकि मुझे हाथ से पूरा आता नहीं है, कहते हाथ से कायदे से को 20 साल हो गए मैं हैं ये बनाने में, इनसे हमारा झगड़ा हर हर साल होता है, क्योंकि अब क्या कहें, अभी खुद ही बताएंगी। मुझे हाथ से पोना आता नहीं है और ये हाथ से पो लेते हैं भाई। मैंने कभी कभी रोटी वोटी हाथ से पो के बनाई नहीं है, और ये कहते गोल शेप में करो कहीं पतली हो जाती, तो इसी पीछे हम दोनों हमेशा झगड़ा होता रहता है। आराम से फरे खाना ही तो है, गोल हो या चौकोर हो। चलिए अब बात करते करते देखिए हमारे फरे एक प्लेट तैयार हो गई, और इसको हम जा रहे हैं स्टीम पानी भी देने। खोल गया है, हाँ, उधर किचन में पानी भी है, वो भी गर्म हो गया है, और देखिए इधर पानी बंद हो चुका है, और इसको हम रख देंगे, और इसको पकने में करीब 15 मिनट लगेगा है ये, और ऊपर से हम हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा देंगे, जिससे अच्छे से ये स्टीम भी हो जाएंगे। तो चलिए अब दूसरा बनाते हैं, और इसी तरह सारे बनाने में इसको करीब 1 से 1.5 घंटा लग ही जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरे फरे तैयार हो गए हैं, और गर्म पे तो थोड़े खुले रख दिए ना, भाप स्टीम बन जाती है। और इसको फ्राई किए जाएंगे बाद में जीरा और कड़ी कड़ी पत्ते से। पत्ता सरसों से फ्राई किए जाएंगे, और इधर इन लोग के लिए चाय बनना है। भाई मुझे पीना नहीं है, और मेरी अब तक हालत हो गई बुरी क्योंकि बहुत कमजोरी लग रही, थोड़ी कमजोरी थी तबीयत नहीं ठीक थी, उससे बहुत कमजोरी लग रही है। बस लग रहा है थोड़ा सा पानी मिल जाए, और देखे चूड़िया पहन, धीरे धीरे तैयारी करे, चूड़िया पहन ली है, और ये लोग तो खाना जो खाएंगे खाएंगे। मेरा तो मन नहीं, कुछ भी मन कर रहा, बस चाय ओ क्या तो पानी मिल जाए ढेर सारा। और अब जा रहे हैं हम चाय इन लोगों देने के लिए, उसके बाद में इसको चटनी मतलब इसको खाने के लिए बनेगी चटनी, जो भी पीसी नहीं गई है तो, और उसको चाय के साथ खाएंगे क्योंकि उसके खाने के बाद भूख लगती नहीं, कुछ खाने का मन नहीं करता है। खाना मैं हमेशा बनाती हूँ, मेरा खाना दूसरे दिन खाया जाता है, इसलिए थोड़ा बस पूरी सब्जी थोड़ी सी बना लेंगे, और वैसे खाना कोई नहीं बना क्योंकि इस दिन कढ़ी वगैरह सब बनती है तो हम नहीं बनाते क्योंकि 3 लोग हैं, फरा खा के पेट सबका भर जाता है, खाना रखा रह जाता है, और प्रसाद वगैरह ये सब खाओ और फिर तो चूरा रहता है, गट्टे रहते हैं, ये सब रहता है, तो प्रसाद से पेट भर जाता है, दूसरे दिन खाते हैं हम लोग। और बेटा भी काफी ठीक है पहले से, और उधर पूजा की तैयारी काफी हो गई मेरी,
और करवरा जो है। अच्छा ठीक है, तुम इधर चाय बनाओ, हम दिखा देते हैं कि तुमने ठीक क्या है क्या तैयारी कर ली है। आप लोग चाय पियो, मैं देखूंगी। और देखिए इधर तैयारी हो चुकी है, मीठा रखना था क्या तुम्हें? और ये चूरा रखा हुआ है, और ये प्रसाद अभी बस, अभी और भी जो रखना होगा दिया वगैरह बना के, तो वो सब रखना। धीमे धीमे सब तैयारियां होती जा रही हैं। तो आपको उन्होंने दिखा दिया होगा पूजा की तैयारी जो हो गई है, उसके बाद में भी जहाँ पे पूजा का सब समा बनाया गया जमीन अर्पण से, वहां पे करवा रखना है, गणेश जी को रखना है। अभी काफी तैयारियां हैं बाकी हैं, तो लोग चाय पीने था तो वो भी तैयारी कर लेंगे हम। और अभी रंग लगाने जा रहे हैं, अभी फिर हम भी तैयार होंगे, क्यों तैयार हुए नहीं है। चलो और ठीक है, चांद चाय बन निकलने जाए का तो हमको टाइम बता है देना आप। 8:05 पे, यानी कि ठीक मुझे देर से दिखे क्योंकि मैं नीचे से आकर देती हूँ, छत पे जाने का मेरा दम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर। और देखिए ये पूजा नीचे ही होगी यानी कमरे में, क्योंकि छत पे हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो देखिए ये बना दिया गया है बस कुछ इस तरह का, और इसी कमरे में हो रहा, सोफा किनारे कर दिया गया है। तो चलिए जब तक ये हो रहा है हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम और दिखाएंगे। तो सब तैयारी हो चुकी है, हम भी खुद तैयार हो चुके हैं, तो चल रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि चांद भी बस निकलने वाले होंगे, ये निकल चुके होंगे। तो जब तक हम कथा कहेंगे, जब तक चांद भी देखने के लिए ऊपर आ चुके होंगे, तो फिर अर्घ देंगे। तो चलिए सबसे पहले पूजा करते हैं। मेरी पूजा की थाली भी तैयार हो चुकी है, और ये देखिए अब जा रहे हैं हम पूजा के लिए बैठने के लिए। और देखिए पूजा की सब तैयारी हो चुकी है, और ये भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोग आ गए कमरे में। अक्की टेडी भी ले आओ। तो यहाँ हम पूजा करने जा रहे हैं, और सबसे पहले सब शुद्ध करेंगे। वैसे ये पूजा कई लोग जो मिलके करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर ये हम शुरू खुद से तो ही अकेले करते आए हैं, क्योंकि सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। देवरानी जेठानी मेरी भाई है नहीं कोई यहाँ, और अकेले ही करना पड़ता मुझे। तो यहाँ सबसे पहले हम गणेश जी को टीका लगाएंगे, क्योंकि आज गणेश जी और पूरा शिव परिवार की पूजा की जाती है, और साथ में जो हमने इसमें आसे रखी हैं करवे पे सब पे, उसमें भी टीका लगाएंगे। तो दिया जला लिया गया है। तो इधर पूजा हो रही है, और टेडी भी देखिए पीछे आके मेज पे बैठ गए हैं। आप तबीयत कुछ 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 ठीक है टेडी? भाई को भगा गए। टेडी अपनी मम्मी के पीछे बैठे हुए हैं। आओके बैठा हुआ है शांति से, चलो आके। तो अब हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो एक थे पंडित जी, उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो एक बेटी थी और 7 बेटे थे, तो स्वाभाविक है कि बेटी बहुत लाडली होगी। तो सभी लोग उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत ही देखभाल करते थे, उसको कोई दुख ना हो, बहुत ही हर समय उसके पीछे लगे रहते थे। ईसा छोड़ छाड़ के बेचारी क्या करती, रोती रो रही गा रही। तो है दूसरे दिन जो है उनके, जय गणेश जय गणेश जय। और देखिए टैडी जब तक पूजा होती रही टैडी पीछे ही बैठे रहे, और ये अम्मी मम्मी के बड़े आज्ञाकारी पुत्र हैं। अब मेरा बेटा गुस्सा आपके पीछे चला गया, टैडी के पीछे है ना। हाँ, और ये मेरा छोटा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, ये मेरा छोटा बेटा, प्यारा बेटा है। मैं करवा चेंज करने जा रही हूँ, ऐसे कोई देवरानी जेठानी या नंद होती तो साथ में करवा बदला जाता है, या कोई मोहल्ले की हो, मगर मैं और हमेशा सब आपको हैं लेकर लोग के, देखो अब हैं, मगर मगर ऐसा मुझे लोगों के बीच थोड़ा घुलना मिलना थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, नहीं घुल मिल पाती इतनी अच्छी तरह से। और सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, हम अलग ढंग से करते हैं, वो लोग अलग ढंग से करते हैं। तो और मेन चीज होता है ये कहीं नहीं जाते, तो इनको शौक है, तो हम कहते घर ही में कर लेंगे और साथ में रहते हैं।
और डैडी भी देखिए यहाँ मेरे बैठे हुए हैं, तो हम जा रहे हैं करवा को बदलने के लिए। और देखिए टैडी हमारे उधर सोफे पे जाके बैठ गए हैं। टैडी टैडी और देखिए हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ से चांद सही दिख रहा है, मगर अभी हमको 10-15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से चांद बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो जैसा बताया कि 10-15 मिनट तो लगेगा ही अभी नीचे आने, थोड़ा ऊपर आने में। तो अब हम चलते हैं नीचे। आ रहे हैं तुम लेने। काय भाई चमक ये साथ आ गए। तो सुबह के बाद अब ये मतलब कल से बाद तो अब ये पानी पी रही है। तो ये व्रत भैया अच्छे से निपट गया है। अब फले जो है फ्राई किए जाएंगे और उसके बाद हम लोग खाएंगे भैया। और कुछ खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। सब्जी बन चुकी है आलू गोभी की। टैडी मेरे कहते और टैडी हमारे देखिए बैठे हुए हैं, ये कुदर कुदर के पिन्नी खा रहा है। दिखा इधर से लाओ। और टैडी टीका लग चुका है और टैडी अपना प्रसाद खा रहे हैं। ये लो टैडी खा लो। नहीं आप फोटो खींचे सर, फोटो नहीं खिंचाता है, ऐसे खा रहा था अभी। अब देखो तो फरा फ्राई करके आ चुके हैं और प्रसाद भी उन्होंने बांट दिया है और चाय भी बन चुकी है। अब हम लोग चाय और फरा खाएंगे क्योंकि इसको ही खाने से पेट भर जाएगा। तो खाना हमको लग रहा है सुबह हम लोग खाएंगे। और मैंने अभी ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। तो इधर सबको प्रसाद मैंने बांट दिया है और फरे भी सबको खिला दिए हैं। और अब हम चाय बन चुकी है मेरी, अब जा रहे चाय पीने के लिए और साथ में गर्मा गर्म फरा खाने के लिए क्योंकि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो जल्दी से कुछ खाते हैं क्योंकि पूजा किए भी काफी देर हो गए हम लोग को। तो अब फटाफट चाय पीते हैं और सवेरे भी हमको पूजा करके ही जो घर में टोटी खोलनी पड़ेगी और सुहाग लेना पड़ेगा देना पड़ेगा। तो ये सब काम सवेरे होगा। तो आपसे मिलेंगे सवेरे के नाश्ते पे, सवेरे की पूजा पे। नाश्ते पे नाश्ता करो, नाश्ता याद आ रहा है। टेडी डर रहा है। बहुत अच्छे बने। हाँ इस बार चटपटे बने थोड़े। तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और मिलते हैं सुबह। ये सुबह का समय है और मैं नहा चुकी हूँ, सारा काम भी लगभग हो गया है। तो मैं अगवर महारानी को सिंदूर दे के और लेके फिर यहाँ पे हम जो है पूजा समाप्त मेरी हो जाएगी। और साथ में करवे की टोटी में जो सीख लगी हुई है वो भी निकालेंगे। कहा जाता है कि आज से जाड़ा शुरू हो जाता है, कि करवे की टोटी से जो ठंडी निकलती है। तो जो क्योंकि करवे की टोटी में करवे में पानी रहता है गौरी माता ने, तो बचपन से सोते रहते थे मम्मी सुबह से नहा के करवे की टोटी से सीख निकालती थी, कहती उठो उठो ठंडी शुरू हो गई है। तो हम लोग को कहते हैं हाँ मम्मी ठंडी लग रही है, मगर वहम होता है, मगर ठंडी तो शुरू सीजन ही यही शुरू होने का। मतलब बचपन से ही तुम पागल थी। पागल हाँ यही समझ लीजिए, बचपन पागल ही पन होता है जो मम्मी पापा कह दे समझ, मगर वो समझ में आती बड़ी होने के बाद में। अच्छा। मम्मी लोग कहती नहीं जब बड़े हो जाए बच्चे कहते तब समझ में आएगा तुमको। मतलब तुम समझदार हो गई हो, बड़ी हो गई है। आप अभी नादान है। अच्छा ठीक है पूजा करो फिर नाश्ता करें फिर। और देखिए सुबह का समय है और ये सब हम सभी लोग नहा चुके हैं, पूजा भी कर चुके हैं। और ये पूजना आके पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पे भी पूजा जो है वो निपटाई जा रही है। उसके बाद इसे सामान जो है विसर्जित कर देंगे और जो धोबिन को देने वाला तो धोबिन को दे देंगे। तो आप सभी को ये करवा चौथ वाली वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये वीडियो
जो है आप अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा शेयर होंगी तो व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। तो ये सब पूजा हो चुकी है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में क्या होगा, वही रात के फले, और खाना भी रात का ही रखा हुआ है, सिर्फ पूड़ियाँ तली जाएंगी और बस वही हम लोग खाएंगे बस। चलिए अब सीखे निकाल रहे हैं, आप कपड़े पहन लीजिए। और देखिए चलिए ठंडी बाहर निकल आई है। को हम यही समाप्त कर रहे हैं और जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो आप लोग जो है नए वीडियो में मिलिएगा, तब तक के लिए बाय।